हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी हेडिंग लगा लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक। तो चलिए हम कोई समांतर प्लेट बना लेते हैं। इसका सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर समझाना स्टार्ट करते हैं। तो अपना डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ये डायग्राम है और चलिए फ्रेंड्स हम चित्र बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ साथ आप भी चित्र बनाते जाइएगा, फिर हम आपको समझा देंगे। चित्र अपना कुछ इस तरीके से है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से लाइन गई है, ऐसे ऐसे आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका कनेक्शन आप पृथ्वी से कर देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आती है आपको। और यहाँ पर देखिए, ये अपनी कोई समांतर प्लेटें हैं दो। ठीक है, ए और बी दो कोई अपनी समांतर प्लेटें हैं और ये धारा की दिशा है। ठीक फ्रेंड्स, तो चित्र को समझिएगा, अपनी ए और बी दो कोई समांतर प्लेटें हैं। यदि ए पर प्लस की आवेश दिया जाता है तो उसके पास रखी दूसरी प्लेट बी पर बी के समीपवर्ती तल पर ऋणावेशित तथा दूरवर्ती तल पर इधर धनावेशित हो जाते हैं, जो कि पृथ्वी पर चले जाते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो डायग्राम को आप कुछ इस प्रकार से बना लीजिएगा, हम डायग्राम को हटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने डायग्राम को हटा दिया। अपने को निकालना है धारिता हेतु व्यंजक। ठीक है, क्या निकालना है, और थ्योरी में वही चीज़ लिखी जो अभी हमने आपको बताया। हम थ्योरी लिख के नहीं बताएंगे, हम सीधे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो समझिएगा फ्रेंड्स, धारिता हेतु व्यंजक निकालना है। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, सी इजक्वल टू क्यू अपॉन वी। धारिता हेतु व्यंजक मतलब अपने को यही चीज़ फाइंड करना है, यही अपना मेन उद्देश्य है, यही अपना मेन कॉन्सेप्ट है कि अपने को धारिता निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि अपने को यही चीज़ निकालना है। अब धारिता निकालने के लिए अपने को विभवांतर चाहिए, और विभवांतर इजक्वल टू होता है तीव्रता इंटू दूरी। क्या होता है, तीव्रता इंटू दूरी। जितना बताते चलते उतना ही आप काम करिएगा। अब अपने को विभवांतर निकालने के लिए तीव्रता चाहिए। क्या चाहिए, तीव्रता। तो तीव्रता के लिए अपन निकाल लेते हैं। तीव्रता कैसे निकालेंगे, विभवांतर के लिए अपने क्या चाहिए, तीव्रता। तो तीव्रता ई, तीव्रता का संकेत ई होता है, और ई इजक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, ई इजक्वल टू क्या होता है, सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, और अपन जानते हैं कि सिग्मा इजक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। क्या होता है, क्यू अपॉन ए। ये चीज़ अपन जानते हैं, इसे ही अपन इसमें पुट कर देंगे कि E इजक्वल टू सिग्मा की जगह Q अपॉन A रख देते हैं, बाकी K एप्सिलॉन नॉट है ही। ठीक फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब क्या करते हैं, अब हम इसमें मान रख देते हैं, किसमें, इसमें। तो अपने को V की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए, V इजक्वल टू तीव्रता, तीव्रता क्या है, Q अपॉन A K एप्सिलॉन नॉट, और दूरी अपनी क्या है, D। जब अपने को तीव्रता का मान पता चल गया तो अपना फर्ज बनता है कि अपन इसमें मान रख दें और अपन धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त कर लें। तो चलिए हम यहाँ पर मान रख देते हैं, C इजक्वल टू Q की जगह Q और V की जगह अपन
भी का मान रख देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से क्यू से क्यू कट जाएगा और अपना फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से क्यू कटा, अब क्या होगा डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट है तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यहाँ पर के इज इक्वल टू वन है तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर ए था अपॉन डी, यही अपना आंसर है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यदि आपको समझ में आ गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।